गर्व की बात है हमारी कि आज लखनऊ के सांस्कृतिक समाज में गोपाल एक बहुत बड़ी हस्ती है, ही इज अ शाइनिंग स्टार। और ये हमारे लिए रियली गर्व की बात है। हम और रंजन कभी कभी बातें करते हैं कि यार ये तो बड़ा रेस का घोड़ा निकला, बहुत जोरदार निकला, और इसमें कई कई अवार्ड भी पाए हैं, कई शॉल पाए हैं, कई जैकेट्स पाए। अरे राम राम सतपाल भैया, ये बिटिया के लेके कहाँ जा रहे हैं? राम राम, बैंक जा रहे हैं हम लोग। अरे श्रीधर भाई, आप काफी परेशान लग रहे हो। पिछले साल गन्ने की खेती में जो नुकसान हुआ है, वही सोच सोच के परेशान है। काका, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। शायद आप लोग को पता नहीं है कि हमारे मुख्यमंत्री योगी जी गन्ने की खेती को कितना बढ़ावा दे रहे हैं। अच्छा? हाँ, ये देखिए, 23,500 करोड़ रुपए का गन्ना मूल्य का भुगतान हम लोग किसानों का करवा चुके हैं। हम लोगों ने कह दिया चीनी मिलें भी चलेंगी और साथ साथ गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान भी होगा। योगी जी के इसी प्रोत्साहन का नतीजा है कि 120 दिनों के भीतर 22 लाख हेक्टेयर गन्ना क्षेत्रफल का विकास हो चुका है। और मोइनुद्दीनपुर चीनी मिल मेरठ को विकास के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 77 करोड़ रुपए की गारंटी दी जा चुकी है। और यही नहीं, रमला शुगर फैक्ट्री बागपत की क्षमता को बढ़ाया जा चुका है। और पिपराइच और मुंडेरवा की बंद पड़ी हुई सरकारी चीनी मिले है ना, उनके लिए योगी जी की सरकार द्वारा 544 करोड़ रुपए की व्यवस्था की जा चुकी है। अरे वाह, इसका मतलब गन्ने की खेती से फायदा ही फायदा। गन्ने की खेती में संग है अपनी ये सरकार, गन्ने की खेती से होंगी खुशियाँ अपने द्वार। सरकार की सही नीतियों का परिणाम आर्थिक रूप से समृद्ध गन्ना किसान। गोपाल सिन्हा साहब, मैं आपका प्रोफाइल देख रहा था और देखा कि आप रुड़की के तो स्नातक हैं ही हमारे साथ के, मगर विद्युत विभाग के भी शीर्ष पर पहुंचे, मुख्यमंत्री रहे, तो जल विद्युत में आप एडवाइजर का काम किए और आपको विदेशों में विभिन्न देशों में ट्रेनिंग करना का सौभाग्य प्राप्त हुआ और आपने कुछ प्रोग्राम्स भी बाहर दिए। इसके अलावा आप 50 साल से अपने को जुड़ा हुआ मानते हैं मंच से, और मैं सोचता हूँ कि 50 साल से तो हम आपको जानते हैं, आप 72 तो ये शुरुआत कब हुई रंगमंच की, आपकी का रुझान रंगमंच की तरफ किस एज से शुरू हुआ और क्यों शुरू हुआ? ये देखो सुधीर, पहले तो बात, तुमने जो सिलसिला शुरू किया है, मैंने डीके जैन का भी देखा था और मुझे बहुत अच्छा लगा कि बीइंग ए रुड़की अलमनाए, एक हम लोग के अंदर एक जज्बा होता है ना कि टू इनोवेट एंड टू क्रिएट समथिंग न्यू, और मुझे वो हमेशा अच्छे लगते हैं जो क्रिएटिविटी से जुड़े होते हैं। एंड यू हैव टेकन द इनिशिएटिव, मतलब तुम मेरा इंटरव्यू कर रहे हो, मेरे बारे में जाना एक तो अलग बात है, मेरे लिए तो खुशी की बात है, लेकिन ये सिलसिला तुम्हारा शुरू हो चुका है और तुम आगे भी करोगे। अब ये बात रंगमंच की तुमने जो जोड़ी है, एक्चुअली क्या है सुधीर, जब बचपन में हम लोग जब जाते हैं, और मुझे लगता है कि हर एक के अंदर हम सब में कुछ ना कुछ एक हिडन टैलेंट हो। क्या हुआ कि जब पढ़ने पहुंचे हम, तो शुरू में तो एक दो साल तो कुछ समझ में नहीं आया, बहुत छोटे थे, हमारी एजुकेशन शुरू हुई उस जमाने में, प्री प्रेप प्रेप नहीं होते थे, क्लास वन से शुरू हुई। क्लास वन के बाद हमको तुम्हें ताज्जुब होगा, हम यहाँ बहुत फेमस कॉलेज है, महिला विद्यालय, महिलाओं का कॉलेज है, लेकिन उस जमाने में क्लास फाइव तक बच्चे लड़के लड़कियां साथ पढ़ते थे, लेकिन जब हम फर्स्ट में थे तो वहां के मैनेजमेंट ने कहा कि अब लड़के हो गए बहुत, अब लड़कों की एजुकेशन बंद, तो हमें क्लास वन में हमको डबल प्रमोशन मिला और हम आए लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल, यहाँ का बड़ा फेमस स्कूल था, जिसको कि तुमने नाम सुना होगा, एक बहुत क्रांतिकारी महिला थी दुर्गा भाभी करके, मैं जानता हूँ। लखनऊ मॉन्टेसरी स्कूल, तो जब वहां पहुंचे हम तो वहां पे माहौल बहुत ही एक्टिव, और दुर्गा भाभी की वजह से, जो दीदी की वजह से, तो वहां पर जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी जो भी पॉलिटिकल थे आया करते थे, तो कल्चरल प्रोग्राम होते थे बहुत वहां, जैसे कोई भी, और हाउसेस थे, तो मैंने देखा कि जो बच्चे कल्चरल प्रोग्राम में पार्टिसिपेट करते हैं या जो भी स्पोर्ट्स गेम्स में, उनको बड़ा अटेंशन मिलता है और
कहते ना वो स्टार वैल्यू जुड़ जाती है, तो वो एक मन में मेरे भी आया कि काश हम भी करते। तो जब मैं शायद थोड़ा सा इस उम्र में आया कि समझ सकूं और अपनी बात कह सकूं, तो मुझे अंधेर नगरी एक बहुत फेमस नाटक है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, और वो एक कालजयी नाटक है। वो व्यवस्था के ऊपर, अगर राजा अगर आपका निकल जाए दिमाग से तो क्या हो सकता है प्रजा का, वो उसमें दिखाया गया है। वो उस नाटक में इत्तफाक की बात है कि मैं एस्पायर कर रहा था और मुझे रोल करने का मौका मिल गया। जब मौका लगा तो जो भी मैंने उसमें बहुत सारे रोल थे, जो भी मैंने रोल किया बड़ी तारीफ हुई, और मुझे लगा कि यार अब मैं जब स्कूल में घूमता हूँ जाता हूँ तो टीचर्स भी तवज्जो देते हैं, मतलब मैं, और फ्रेंकली मैं पढ़ाई में अच्छा था, तो जब टीचर्स को लगा कि यार मैं इसमें भी अच्छा हूँ तो उनके मुझे लगा कि अटेंशन ज़्यादा मिल रहा है। फिर धीरे करके मैं डिबेट में पार्टिसिपेट करने लगा। फिर वो जब 8th तक हम रहे वहाँ पर, तो छुटपुट छुटपुट स्कूल के जो नाटक होते हैं उसमें मैं कुछ ना कुछ करता रहता था। उसके बाद जब आए हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, तो नेचुरली तब तो फिर वो जोर था पढ़ाई करनी है, हैं इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, वो जो घर वालों का दोस्तों का प्रेशर, क्या कर रहे हो भाई तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है। तो जब उस जमाने में इफ यू रिकॉल ये सब ड्रामा कल्चर इतना ज्यादा इनकी होते थे, लेकिन बहुत पब्लिक बहुत पॉपुलर चीजें नहीं हुआ करती थी। लेकिन जब हम इस पढ़ाई के दौर से निकल के जब इंजीनियरिंग करके रुड़की पहुंचे, द अपना द ग्रेट अल्मा मैटर, वहां पर रैगिंग हुई हम लोगों की, कोटले भवन हमको अलॉट हुआ। शैलेंद्र तुम्हारे जो क्लासमेट है मैकेनिकल, वो मेरे रूममेट, हम लोग साथ पढ़ते थे यहाँ। ए के चतुर्वेदी और ए के जैन शायद अगल बगल में ही थे हमारे। तो जब रैगिंग होती थी तो हमारे दो सीनियर्स थे जो बचपन में हमारे साथ यहाँ पढ़ते थे, मतलब हम गए उस जमाने को याद होगा कि 17 साल की एज लिमिट हुआ करती थी। तो फादर ने कहा कि हमने कर लिया 16 साल में इंटर, अब पूरा बीएससी करके तब जाना इंजीनियरिंग में। तो हमारे साथ के दो पढ़े हुए थे, एक एससी अहुजा और एक उमेश चंद्रा, ये इलेक्ट्रिकल में थे, और एक हमारे साथ और भी थे दो तीन लोग और, जो एक सुशील जैन थे केमिकल में। तो ये लोग बचा तो नहीं पाते थे, इन्होंने हमें राय दी, कहने लगे यार देखो गोपाल तुम अगर कुछ कर सकते हो तो कुछ करके दिखाना, टैलेंट जो भी हो चाहे गाओ चाहे कुछ करके, तो तुम्हें कष्ट नहीं होगा, वरना फिर कुछ नहीं कर पाओगे तो बड़ी दिक्कत होगी तुमको। तो जब इस हमें एडवाइस मिली तो फिर मैंने कुछ कैरिकेचर टाइप का, जैसे हम लोग रास्ते में आते हैं रेलवे स्टेशन पर, उसकी नकल करी कि भाई चाय पकौड़ी गरम 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 चाय, समथिंग लाइक, तो लोगों को मजा आया। फिर एक बार मैंने जानवरों की आवाजें निकाल दी, तो जो हमारे सीनियर्स थे उनको कुछ हम में मजा आने लगा। तो जब हम लोग का फ्रेशर्स पार्टी जब शुरू हुआ तो उन्होंने कहा कि यार ये कुछ करता है तुम कुछ करो इसके अंदर, स्किट टाइप करो। ए के चतुर्वेदी जो बेचारे अब नहीं हमारे बीच में, उनके पास कुछ दो तीन चुटकुले थे और उन्होंने कुछ कहीं देख रखा था अपने कानपुर में। वो बोले गोपाल ऐसा है कि हम भी तुम्हारे साथ करते हैं कुछ इस तरह के, कुछ चुटकुले जो हैं उनको मिला जुला के कुछ करते हैं इस स्टेज पर। तो हम दोनों ने साहब अपने दोस्तों से छुप छुपा के अपना कमरा बंद करके कुछ रिहर्सल किया, कुछ किया, और वो जो प्रोग्राम हम लोग का था वेलकम पार्टी वाला कोटले भवन में कहीं पर जो हुआ था, वो भाई साहब उसमें हम लोगों ने कुछ चुटकुले मिला के दोनों ने मिलके कुछ किया हम लोगों ने। जब हम लोगों ने किया उसको तो फिर वो हम लोगों की निगाह में आ गए। तो जो एनुअल फंक्शन हुआ मतलब नवंबर में फर्स्ट ईयर में, तो सीनियर से पकड़ लिया। अच्छा ए के चतुर्वेदी तो हमारे थोड़े से संकोची प्रवृत्ति के, हमारे साथ तो कर गए स्किट, लेकिन जब पकड़े गए तो भाग खड़े हुए, नहीं यार अब हम नहीं कर पाएंगे डायलॉग नहीं कर पाएंगे, लेकिन हम कूद पड़े क्योंकि वो बचपन का भी एक शौक था मेरे अंदर कि मुझे कुछ करना है कुछ करना है। तो फिर हमने बस वहां से रुड़की यूनिवर्सिटी में 4 साल एनुअल फंक्शंस में कुछ सीनियर्स भी सब तुम लोगों ने देखा ही होगा, प्लस फिर हम वहां से गंगा भवन, फिर गंगा भवन से सेकेंड ईयर गंगा भवन गए, फिर थर्ड ईयर फोर्थ ईयर गोविंद भवन में। तो वहां पर जो एनुअल फंक्शन होते हैं अपने भवन के जो फंक्शंस होते थे, उस समय कुछ ना कुछ नाटक करते रहे, कुछ सीनियर्स मिले, कुछ अपने साथ के मिले। तो वो एक कहते ना जो एक बचपन में जो एक नाटक का एक कहीं ना कहीं बैठ गया था वो रुड़की ने, तुम्हें फिर याद होगा कि 25 नंबर होते थे उसके हॉबीज के, तो फिर वो ड्रामा हमने ले लिया। तो फिर वो था कि वहां पर बिना घुट्टी लग गई ड्रामे की, लेकिन हाँ ये जरूर ध्यान रखते थे कि जब यहाँ से गए थे तो माँ बाप ने बड़ा कह के भेजा था, देखो भाई पढ़ने जा रहे हो तो कोई खुराफात मत करना है ना,
ये सब मत करना। तो ये जो ध्यान रखते थे, ड्रामे ने ये सिखाया हमको कि अगर कमिटमेंट है आपका किसी चीज के पीछे, क्योंकि जब स्टेज पे जा रहे हो अपने लिए नहीं जा रहे हो, आपके सामने 1,000 आदमी 500 आदमी बैठेगा, उसको आपको अच्छा दिखाना है और जो आपको रोल मिला है वो आपको याद करके जाना है। तो इसने हमको ये भी रखा कि हम क्लास में भी मतलब पढ़ाई लिखाई में भी ठीक माने जाते थे, हर साल वो जो पहले 5 और 6 को स्कॉलरशिप मिलता वो भी मिलता रहा, नाटक भी करते रहे, तो फैकल्टी वालों के भी निगाह में रहे, वो जो चस्का लग गया उस समय। लेकिन फिर बाद में जब आए तो फिर यार वो शुरू हो गया नौकरी करनी है, नौकरी करनी, तो वो दौड़ते भागते रहे, यहाँ बैठ रहे हैं वहां बैठ रहे हैं, अल्टीमेटली इलेक्ट्री बोर्ड ज्वाइन किया। जब जैसे ही ज्वाइन किया और हम लोग शाम को जब हजरतगंज में घूमे तो पता लगा यार यहाँ तो नाटक लखनऊ में होने लगे हैं बहुत, और अपने बोर्ड के ही, जैसे कि वो के अग्रवाल जो हमसे सीनियर थे तो वो हमारे बोर्ड में हमारे बैच में आए, तो बोले यार गोपाल यार वो आपसे शर्मा था और एक पीता चटर्जी गुप्ता थी यार जो अपने सीनियर लोग हैं वो यार यहाँ ड्रामा करते हैं, वो लोग वो हमको मिले थे तो चलो यार ड्रामा करते हैं। हमने कहा यार नौकरी करने आए ड्रामा क्या करते हैं, और यहाँ अपना शहर है तो चलो देखते हैं चल के। तो भाई साहब एक यहाँ पर थिएटर ग्रुप था लखनऊ में संकेत, तो के अग्रवाल ऑलरेडी जा चुके थे वहां पर, भाई साहब कई इंजीनियर थे, कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ मतलब अच्छे प्रबुद्ध वर्ग के लोग थे वो, फिर वहां से शुरुआत हो गई, 10 से 5 नौकरी करते थे, डिजाइन ऑफिस में पोस्टिंग भी हो गई, चांस की बात है कहीं बाहर नहीं भेजे गए। तो फिर वो नाटक जब शुरू हुए तो फिर सिलसिला चलता रहा, फिर दिक्कत आई क्योंकि डिजाइन में थे तो धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा ना मैं काम को भी मैंने कभी निग्लेक्ट नहीं किया, तो जो करते थे तो वो हम पकड़े जाने लगे, जैसे सरकारी नौकरियों में जो काम करता है इसको पकड़ो। फिर लोगों को पता लगा कि मैं ड्रामा रामा भी करता हूं, तो उसके बावजूद भी वो एक हमारी एक एडिशनल असेट हो गया यार ये लड़का तो एक्टिव। फिर हम लोगों ने उस बार 73 में जब हम लोगों ने पास किया है, बहुत बड़ी स्ट्राइक हुई थी पावर इंडस्ट्री की, तो जब हम लोगों ने ज्वाइन कर लिया तो उसकी पहली एनिवर्सरी मनाई गई, तो ये हुआ कि कुछ किया जाए। तो फिर हम और के अग्रवाल पकड़े गए कि चलो कुछ करो कुछ करो, तो नाटक वाटक फिर डिपार्टमेंट में भी पहचाने लगे लोग, लेकिन उसका असर ये हुआ कि हमको लोग काम में पकड़ने लगे ऑफिस में। तो क्या हुआ कि अब आज मीटिंग है आज ये है, तो धीरे धीरे जो ड्रामे का जो मेरा पार्टिसिपेशन था उसमें थोड़ा खतरा मंडराने लगा, एंड माई प्रायोरिटी वॉज ऑफिस के भाई जो रोजी रोटी है और एक रेपुटेशन खराब ना हो ऑफिस में। तो फिर मेरा जो एक्टिंग करने का सिलसिला था वो धीरे धीरे कम होने लगा, तो जो वो कम होने लगा तो मैं चूंकि इलेक्ट्रिकल इंजीनियर थे, हमारे जो ड्रामा डायरेक्टर थे कहले गोपाल तुम लोग तो पढ़े लिखे हो, और एक मुझे थोड़ा सा लाइट स्टेज लाइट में मजा आता था, मैं डिस्कस भी करता था डायरेक्टर से कि तुम्हारी रुचि ऐसा करो कि तुम अपना जॉब को बिल्कुल प्रेफरेंस दो, एक्टिंग में तुम्हें पूरे 30 दिन या जो भी 1.5 महीने रिहर्सल होती आना पड़ेगा टाइम से, लाइट में अगर तुम थोड़ा सा अपने आप को डाल लोगे तो क्या होगा कि तुम्हें सिर्फ लास्ट के 4-5 दिन जब नाटक तैयार हो जाता है तब वो डिजाइन के लिए तुम्हारी जरूरत होगी, और जिस दिन नाटक है उस दिन तुम्हारी जरूरत होगी हॉल में, तो तुम्हें छुट्टी 1 दिन की लेनी पड़ेगी। मैंने कहा इज गुड, जब मैंने इसमें शुरू किया अपना इन्वॉल्वमेंट तो यार वो कुछ मजा भी आने लगा, उसमें मेरी रुचि थी और एक नाटक का एक शौक भी पूरा हो रहा था, लोगों को देखता था, एक क्रिएटिविटी थी नई, और मैंने देखा कि उसमें मुझे बड़ा इंटरेस्ट आ रहा। कहते हैं हम लोग कहते हैं आर्टिस्ट की माँ सरस्वती की कृपा साहित्य में भी, तो जो मैंने 2-3 जगह किया तो उसमें मतलब मेरे वर्क को बहुत सराहा गया। बस जहां आपको प्रशंसा मिल जाती है सुधीर तो फिर वो दौड़ लगती है ना, फिर वो अपने आप ही चलता रहा मामला। गोपाल जी मैं ये देख रहा था आपकी प्रोफाइल में, इतना काम किया है आपने, डायरेक्शन का भी एक्टिंग का भी, अरे लिस्ट ऊपर से पढ़ते पढ़ते थक जाते हैं और चीजें याद नहीं रहती, बहुत आपके अचीवमेंट्स हैं। और मुझे रुकी में शायद टॉम कॉल आपकी सबसे ज्यादा पसंद आती थी, और सरकारी से जो आपकी टीमिंग थी वो भी बहुत मार्वेलस थी, और मुझे लगता ही है कि अपने बैच में स्टेज पे या तो आप छाए हुए थे या सुबी अधिकारी छाए हुए थे, और रंजन भादी के तो मुझे कहने ही क्या थे, वो तो बहुत अच्छा सिंगर, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं सिर्फ ये आपसे जानना चाहता हूँ कि इतने लंबे कैरियर में आप बड़ी बड़ी विभूतियों से ही मिले होंगे, बड़ी बड़ी विभूतियों ने प्रशंसा भी की होगी आपकी, तो कौन कौन वो विभूति थी बड़ी
जिनको आप सोचते नहीं होंगे कि यार हम इनसे मिलेंगे और हमारी प्रशंसा करेंगे, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखो ऐसा है कि अगर विभूतियों की बात करें तो ऐसा होता है कि हम अपने क्षेत्र में काम तो कर ही रहे थे, जो ड्रामा के जो बड़े बड़े लोग हैं, ड्रामा के जो मैं हो सकता है कि हमारे साथ के लोग ना जानते हों, एक रंजीत कपूर हैं जिन्होंने कि जाने भी दो यारों के डायलॉग लिखे थे, अन्नू कपूर के बड़े भाई हैं, ही इज ए नेम इन थिएटर ड्रामा, वो बहुत सी वजह से बॉम्बे में ही हैं, वो फिल्मों में नहीं आ पाए लेकिन वो पीछे रह के उन्होंने बहुत काम किया है, थिएटर के वो जाने माने एक हस्ती माने जाते हैं। उनसे मेरा संपर्क हुआ और उन्होंने मेरा काम देख के मेरे देखी उन्होंने मेरी एक्टिंग, और फिर उन्होंने कहा कि ये एक्टर चेंज नहीं होगा, और उनका एक प्ले था जो हमारी पार्लियामेंट्री कमेटीज होती हैं इनके ऊपर उनका सटायर था कि संसद समिति की उठक बैठक, उसमें जो बैठक होती है उसमें क्या तमाशे होते हैं, और आप सोचिए कि पहले कोई और एक्टर करता था, जब रिप्लेसमेंट मुझको लाया गया तो डरते डरते लाया गया कि जो एक्टर पहले कर रहा था वो बहुत अच्छा एक्टर था लखनऊ का, किसी वजह से नहीं कर रहा था। अब रंजीत कपूर का नाम मैंने भी कहा, जो जिन्होंने मुझको कहा ग्रुप के उन्होंने, मैंने कहा यार कहाँ वो विजय बनर्जी एक थे, वो कहाँ मैं यार मैं, और बोले नहीं नहीं यार तुम करो कर सकते हो। जब मैंने किया तो रंजीत कपूर जो उसके डायरेक्टर थे तो वो इतना मुझसे इम्प्रेस्ड हुए कि उन्होंने कहा कि अब ये गोपाल सिन्हा चेंज नहीं होंगे, और समझिए कि हम लोगों ने हिंदुस्तान में उसके 17-18 शो किए हम लोगों ने। ऐसे ही नेशनल स्कूल ड्रामा के और भी कई लोग हैं, देवेंद्र राज अंकुर हैं, अमिताभ श्रीवास्तव हैं, एक राम गोपाल बजाज हैं, तो हाँ एक हैं अशोक बांठिया, आप तुम जो कह रहे हैं अशोक बांठिया करके नजदीक हैं, वो एक थिएटर शो है चाणक्य, और वो कई सारे फिल्मों में सीरियल्स में आते हैं वो अशोक बांटिया, अब आजकल तो बहुत काम हो रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि तो वो लखनऊ आए एक प्ले करने, यहाँ पर भारतीय नाट एकेडमी है, ये बात हो गई मतलब कोरोना के पहले का है, तो वहां के जो चेयरमैन थे वो गवर्नमेंट की इंस्टीट्यूशन है, उनका फोन आया कहने गोपाल तुमको अशोक बांटिया एनएसडी के हैं और बहुत जाने माने बॉम्बे के वो हैं, थिएटर में भी आते हैं फिल्में आते हैं, वो तुमको याद कर रहे हैं। मैंने कहा वो मुझे क्यों याद कर रहे हैं, कह लेंगे भाई तुमसे वो लाइट कराना डिजाइन कराना चाहते हैं, और प्ले था जलिया वाला बाग उसका नाम था, और जलिया वाला बाग का जो मैसेकर उसके पीछे जो बैकग्राउंड थी कैसे लोग सफर किए उसके ऊपर बहुत ही वैसा प्ले था वो। मैंने कहा यार बॉम्बे से आए, मैंने कहा जो चेयरमैन खरे साहब थे, मैंने कहा कि खरे साहब लेकिन मैं तो जानता नहीं हूँ, कह लें वो बॉम्बे से आए हैं, वो पता नहीं आपका नाम लिख के आए हैं, और उन्होंने कहा कि हम आपकी इंस्टीट्यूशन से किसी को नहीं कराएंगे, वो भारतेंद्र एकेडमी के स्टूडेंट्स के साथ उनका क्लासेस लेने और उनके साथ एक प्रोडक्शन नाटक तैयार करने आए थे, वो मेरा नाम लिख के आए थे, बोले कि साहब ऐसा है कि नाटक आपके बच्चे करेंगे इंस्टीट्यूट के, लेकिन मेकअप मेरा आर्टिस्ट करेगा, लाइट मेरा आदमी करेगा, मेरा आदमी कौन करेगा, वो मेरा नाम बताया। तो मैंने कहा यार ये, फिर मैं पहुंचा तो पता लगा कि वो जब लखनऊ आ रहे थे मुंबई में उन्होंने लोगों से पूछा कि यार ऐसा है कि मैं भारतीय एकेडमी में जो भी होगा तुम लोग बताओ यार लखनऊ में किसका नाम है जो लाइट डिजाइन, तो वहां पे मुझको नाम मेरा उनको बताया गया, वो आके यहाँ अड़ गए कि गोपाल सिन्हा ही करेंगे लाइट, और मैंने उनके साथ लाइट करी। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जो कि थिएटर में जिन लोगों का नाम है और जिनकी की एक एक नाम क्या एक फेमस भी है और उनकी एक प्रेस्टीज है उसमें, वो इस तरह से बाई नेम आपको जब कहते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है। ऐसी लखनऊ के एक नाम है उर्मिल कुमार थपलियाल का, इस समय वो 2 साल पहले नहीं रहे, लखनऊ में जो नौटंकी विधा है उसको प्रमोट करने में नाटकों में प्ले राइट में, मतलब उनका भी पूरे हिंदुस्तान में नाम रहा है एज ए स्टेज डायरेक्टर, बहुत ही इनोवेटिव। उन्होंने तो करीब जब मेरा काम देखा, ये 1998 की बात होगी, पहले उनके प्ले वो मुझको कहते थे आओ एक्टिंग करो, जब लाइट देखी तो उन्होंने कहा कि अब जो भी मेरे प्ले में लाइट करेंगे गोपाल करेंगे, लेकिन जब मैं गोपाल से लाइट करूंगा आई विल बी लूजिंग एन एक्टर, क्योंकि हम चाह एक्टिंग नहीं करा पाएंगे, क्योंकि एक काम कर सकते हैं ये, लेकिन मैं लाइट। और सोचिए जब भी उन्होंने फिर लखनऊ में नाटक किए, कम से कम 25-30 नाटक उनके हर प्ले में लाइट में ही करता था, और कभी मेरी अवेलेबिलिटी नहीं रहती तो ही यूज टू वेट फॉर मी। थैंक यू गोपाल सिन्हा साहब, 65 साल से साथ दे रहे
मित्र हम लोगों के साथी सुवीर आ चुके हैं और लेट हो गया कि वो गोपाल सिन्हा साहब के अचीवमेंट के बारे में, कमियों के बारे में, अच्छाइयों के बारे में 5 मिनट में कुछ। भैया दया दृष्टि रखना, मैं बड़े पुराने आदमी हो। ये कमी 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 बता के इस उम्र में पाप की भागीदार ना बनाओ, कमी हर एक में होती है। लेकिन गोपाल के साथ मैं 1956 से जुड़ा हुआ हूँ। हम दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, ये अमीनाबाद से आते थे, हम हजरतगंज से। तो हम लोगों ने प्ले भी साथ साथ किए थे बचपन में, और मैं कवाली करता था और गोपाल हमारे साथी थे। उसके बाद मैं 1963 में क्वींस कॉलेज लखनऊ में चला गया हाई स्कूल में, ये भी कहीं और चला गया। लेकिन और फिर हम छूट गए, धोधा हो गए हम लोग सब। फिर मैं दुर्गापुर से जब सेकेंड ईयर में लेटरल एंट्री मुझे मिली डायरेक्टली, और मैं गंगा भवन आया, तो ये सितंबर का महीना था, सितंबर 1970। मैं एक साल खराब करके अपना वहां से नक्सल लोगों के दबाव में कॉलेज बंद हो गया, तो हम यहाँ मैं आया यहाँ गंगा में। फिर मैं जब मिस में गया सेकेंड डे, हाँ सेकेंड नाइट मुझे याद है, जब मैं घुसा मिस में तो गोपाल और 3-4 शाही और 2-3 और लोग उधर से आ रहे थे। कुक्सल था, मुझे याद है कुक्सल, वो भी थे। तो ये तीनों चारों आ रहे थे, तो गोपाल ने मुझे पहचान लिया, ISIMR का चेहरा मेरा धड़ से पकड़ लिया, धड़ से पकड़ के कहा भैया अधिकारी नहीं, हाँ अधिकारी हूँ लखनऊ माउंटेन्स रे, यस, अरे वाह मजा आ गया। तो फिर उसने कहा यार सुनो, हम लोग यहाँ प्ले वे कर रहे हैं, तुम भी तो नाटक करते थे, करोगे? जरूर करूंगा। तो अगले दिन ये क्लब में हम मिले, रंजन शाही, मैं और गोपाल और आलोक कपूर, अपना क्या कहते हैं आलोक कपूर, माधव सक्सेना, ये गैंग मिले। तो फिर मैंने एक प्ले में हमने अपना मेरा ऑडिशन लिया बाबूजी ने लोगों ने, और उसके बाद और मुझे उसमें उस प्ले में शामिल किया। उसके बाद आलोक कपूर ने भी अपने प्ले में शामिल किया मुझे, तो 2-3 प्ले मिल गए मुझे ऐसे। और रुड़की में उसके बाद तो हम लोग एक 3 मस्केटियर्स ग्रुप बन गया, मैं रंजन और गोपाल, हम लोग नाटक करते थे। उसके बाद हम छटक जाते, इलेक्ट्रिकल के थे, मैं सिविल का, तो हम लोग अलग अलग हो जाया करते, लेकिन दिल से हम लोग एक साथ थे। और हमने कई प्ले किए, कई बार नाटक किए, कई साल। उसके बाद फिर मैं चला गया नौकरी के सिलसिले में बाहर, गोपाल भी दिल्ली गया, उसके बाद फिर लखनऊ आया। तो मैं लखनऊ फिर से लौटा 1974 में कुछ टाइम के लिए। उसके बाद 76 में मैंने इरिगेशन ज्वाइन किया, और गोपाल तब यूपीएससी बोर्ड में थे, तो उसने मुझसे कहा हमारे बोटानिकल गार्डन में रिहर्सल हुआ करते हैं, बड़ा क्लब है हमारा संकेत नाम का, तू आ जा। मैं चला गया, वहां देखा भैया मजे मजे ही मजे, आनंदम केवलम, बोटानिकल गार्डन में रिहर्सल हुआ करते थे। गोपाल ने मुझे फिट कर दिया स्लॉट में, और मैं चिपक गया एडहेसिव फेविकॉल की तरह। तो उसके बाद 2 साल बाद मुझे वो सिद्धार्थ गौतम बुद्धा की तरह एक मुझे पता नहीं क्या रात में सपना आया कि लखनऊ छोड़ो, और लखनऊ कई कारणों से मैं छोड़ गया, जिसमें नाटक के अंदर जो होते हैं पॉलिटिकल सर्किट्स में छोटे छोटे, क्योंकि मैं डायरेक्टर हो गया था और 2-3 प्ले भी अच्छे किए थे, और एक ग्रुप टीचर से मुझे खींच रहा था केकड़े की तरह से, और भी कई एक्सटर्नल फैक्टर्स थे, इसलिए मैं छोड़ के चला गया टाटा इंस्टीट्यूट फंडामेंटल रिसर्च, पहले बॉम्बे फिर चंडीगढ़। गोपाल लखनऊ में रहा, उसकी किस्मत भी अच्छी थी, उसमें हमें ग्रिट था, उसमें एक करने की लगन थी, और सबसे बड़ी चीज थी कि इसका जो थिएटर के प्रति लगाव था वो दिन प्रतिदिन बढ़ता गया, लोगों को देख के और उत्साहित हुआ लोगों से, और आए हैं जो नए नए पहन के आता है हमेशा लड़की आओ लेते आएंगे शॉल तुम्हारे लिए नहीं ये ईर्ष्या की बात नहीं है, ये आप कह सकते हो ईर्ष्या है, लेकिन बड़ा स्नेह भरा ईर्ष्या है, प्यार भरा ईर्ष्या है। और इसके इसके खुराफातों से मैं काफी वाकिफ हूँ। ये जो लखनऊ में सुधीर कुछ कह रहे हैं, ये तो हमेशा कहता है लेखन के क्षेत्र में जैसे अधिकारी जी किताबें लिखते रहते हैं, तो मुझे लगता है कि अधिकारी सही प्रेरणा लेके शायद गोपाल सिन्हा साहब ने भी तमाम लेख लिखे हैं, कुछ पुस्तकें लिखी हैं लाभकारी, मगर देखिए आप दोनों क्योंकि रंगमंच के कलाकार हैं, मैं ये जानना चाहता हूँ कि प्रोफेशनली आपको टॉप पोजीशन पर पहुंचने के लिए
ये जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जो आपकी हॉबी हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी पहचान अलग बन जाती है और आपके कॉन्टैक्ट्स अच्छे बन जाते हैं, तो निश्चित रूप से ये हेल्प करती है। और मैं जानना चाहूँगा, जनरेशन जो नेक्स्ट है उनको आप कुछ ये मैसेज दें कि भाई पर्सनैलिटी बिल्डिंग के लिए या आपको ऊपर उठने के लिए सिर्फ नंबर ही की जरूरत नहीं होती है, आपको कुछ डिफरेंट, दूसरों से डिफरेंट, अपने बॉस से ज्यादा है उस क्षेत्र में, चाहे आप कंप्यूटर के बारे में जाने, चाहे आप एस्ट्रोलॉजी के बारे में जाने, चाहे आप योगा के बारे में जाने, चाहे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में जाने, चाहे धर्म के बारे में जाने, तो जिसका जिसमें रुझान है उसको वो पकड़े और उसको अपने बॉस से ज्यादा जानना चाहिए। जब वो इतना कर लेगा तो उसको ऊपर पहुंचने में दिक्कत नहीं होती। इस बारे में आप लोग कुछ टिप्पणी दें बच्चे। सुधीर, यहाँ मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका जो भी हमारे जो टैलेंट है हमारे अंदर, चाहे वो स्पोर्ट्स हो, गेम हो, कल्चरल हो, म्यूजिक हो, डांस हो, ड्रामा हो, वो सब आपकी पर्सनैलिटी को एनहेंस करते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस डेवलप करते हैं और आपको बहुत चीजें आपके अंदर ऐसी लाते हैं कि जो आप लोगों को फेस कर सकते हैं। दूसरी बात क्या होता है कि डिसीजन मेकिंग, बहुत चीजें, कमिटमेंट, आपको जाना है, करना है काम को आपकी। और ड्रामे में क्या होता है कि इसे सुबीर जानते ही, अधिकारी इज अ ड्रामा जो है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द फॉर्म्स ऑफ आर्ट। ये पेंटिंग हो, म्यूजिक हो, कोई भी आप चीज ले लो, म्यूजिक का कोई भी हो चाहे हो, वो हर एक का एक ये कॉम्बिनेशन है और इज अ टीम वर्क। तो जब ड्रामे में थे हम लोग तो हमें ये उससे फायदा होता था कि जो भी हमारी कमजोरियां हैं वो हमें लोगों के थ्रू पता लग जाती थी, हमारे अंदर जो बात करने का कॉन्फिडेंस है वो हमको आ जाता था। तो टीम स्पिरिट में क्या होता है कि इससे आपको, जब लोगों से आप, हर तरह के लोगों से आप बात करते हो करते हैं, तो नेचुरली अच्छी चीजें आप लोगों से आप अपने अंदर लेते जाते हो और जो दूसरों की गलतियों उससे आप सचेत होते जाते हो कि भाई देखो अगर ये गलत है तो बाकी से लाइक नहीं कर रहे, ये मतलब थॉट प्रोसेस में नहीं आता, ये सब चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं। अब हम जब कॉलेज में थे वो तो वहां पर ही मुझे इसकी मदद मिली कि आपको कुछ लोग पहचानते हैं, पढ़ाई तो देखिए आपके अंदर जो एक नेचुरल इंस्टिंक्ट है पढ़ाई के लिए वो होती है, आपकी एक नेचुरल कैपेबिलिटी होती है, बाकी आप उसको सजाते संवारते हो पढ़ लिख के। तो आप, लेकिन जब आप कॉलेज में होते हो और आपको दो चार आपको टीचर लोग जानते हैं कि यार लड़का पढ़ने में भी अच्छा है और ये कुछ कर भी सकता है, तो आपको अटेंशन एक मिलता है अलग से। लेकिन जब आप नौकरी करते हो, स्पेशली सरकारी नौकरी, तो वहां आप कितना कुछ कर लो, आपको सीनियोरिटी से प्रमोशन मिलेगा। तो जो हमारे, हम भी हम इतना ऊपर तक पहुंचे तो हम जरूर अपनी सीनियोरिटी के हिसाब से ही पहुंचे, लेकिन मुझे बस खुशी यह है कि जो मैंने इस थिएटर से, जो मैंने अपनी पर्सनालिटी को, अपने कॉन्फिडेंस को मैंने जो बिल्डअप किया, या वो अपने आप बिल्डअप होता चला गया, मेरा कमिटमेंट क्या है, जो मुझे ऑफिस में, जो मैं थिएटर में सीखता था वो मेरे ऑफिस के काम में रिफ्लेक्ट होता था। तो जो मेरे बॉसेस थे, एक और बताऊं तुमको बात, मतलब बाकी स्पोर्ट्स में तो आपको तारीफ करते हैं, नाटक में ये सुबीर देखते हैं लोग कहते हैं अरे ये तो नौटंकीबाज है। तो मैंने ये इंश्योर किया शुरू से कि जो मैं नाटक करता था तो मैं अपने ऑफिस में बताता नहीं था कि मैं नाटक कर रहा हूं, रिहर्सल में जाना है, नहीं फंस गए तो कुछ बोले नहीं। जब लोगों को अपने आप पेपर से या पब्लिसिटी से पता लगा कि यार ये तो कल नाटक कर रहे थे, इनका नाम छपा है पेपर में, तो वो जो नेचुरल प्रोसेस से जब आता था तो मुझे लगता था कि वो कहते हैं ना कि आप अपनी मेरिट से पहचाने जाओ, वो मुझे लगा कि वो मैंने हमेशा, इवन आखिर रिटायरमेंट तक, जब मैं चीफ इंजीनियर हो गया, मैं आई वॉज, जब कभी मुझे मौका मिलता था थिएटर करते तो मेरे चेयरमैन थे आईएएस, तो वो एक दिन मैंने छुट्टी ली 2 दिन की, जब मैं पहुंचा मैंने किसी को नहीं बताया, हालांकि मेरे डिपार्टमेंट में बहुत से इंजीनियर स्टाफ के लोग जानते थे कि मैं ड्रामा करता हूं और वो पता करके मेरे ड्रामा देखने आते भी थे, लेकिन अब ब्यूरोक्रेट आईएएस चेयरमैन हो गया था तो आई डिडंट टेल हिम, मैंने छुट्टी ले ली साहब बिकॉज ऑफ सम अर्जेंट वर्क, मुझे छुट्टी चाहिए। जब मैं ऑफिस पहुंचा एंड आई वॉज चीफ इंजीनियर, उसके बाद मेरा ही नंबर था एंड ऑलमोस्ट एचओडी, कहे मिस्टर सिन्हा आइए, हाँ और कल प्ले कैसा रहा आपका प्ले, मैं चौंक गया, मैंने कहा प्ले सब ठीक था, कहले आपने तो हमको बुलाया नहीं, यू डिडंट इनवाइट मी, अरे मैंने कहा सब प्ले में, कहले नहीं, उनके फादर मेरे डिपार्टमेंट में रह चुके थे, बोले सुनिए अब हमको तो टाइम मिला नहीं लेकिन मेरे फादर ने ये मैसेज दिया है आपको, आपके जो भी कोई अगला नाटक होगा,
आप मुझे इन्फॉर्म करें ना करें, बिकॉज मैं चेयरमैन या बॉस जो भी आप सोचते हो, मेरे फादर को आप इनवाइट करेंगे और आप उनको आप नाटक दिखाएंगे। तो मैंने ये देखा जो तुम बात कर रहे हो कि अगर आप, और उसने मुझे क्या कॉन्फिडेंस दिया थिएटर में, जो पर्सनैलिटी और जो कॉन्फिडेंस था कि मुझे कभी भी जब मैं सीनियर पोजिशन में पहुंचा या इवन कि जब मैं जूनियर लेवल पर कभी मैं मीटिंग में आया था, मुझे कभी भी सुधीर डर नहीं लगा, चाहे वो चीफ सेक्रेटरी हो चाहे वो मिनिस्टर हो, अपनी बात को करने में अगर मुझसे कुछ पूछा जा रहा है और मुझे लग रहा है कि बात गलत हो रही है, आई नेवर गेव ए सेकेंड थॉट, मैंने अपनी बात को रखा। तो ये जो मुझ प्लस जब हम सीनियर पोजिशन पे आ गए तो आई हैड टू फेस लॉट ऑफ दिस यूनियनबाजी एक्टिविटीज, नेता लोग मुझे कभी कमरा चिटकनी बंद कर ली, लोग तो घबरा जाते थे, मुझे कभी नहीं, आई ऑलवेज फेस्ड एंड आई केम आउट सक्सेसफुली बिकॉज ऑफ द कॉन्फिडेंस ऑफ पर्सनैलिटी आई टुक इट फ्रॉम थिएटर। तो ये मुझे हेल्प किया, मुझे थिएटर ने अपनी पर्सनैलिटी को और अपने कॉन्फिडेंस को अपनी बात को रखने के लिए ये सब चीजें करी। बाकी देखो ऊपर पहुंचे तो वही था कि जो सीनियोरिटी में चलते चले गए, और वो अगर मायावती जी की रिजिम ना होती, रिजर्वेशन ना होता, तो शायद हम और ऊपर एमडी एमडी बन जाते। चलिए समय एक्चुअली बिल्कुल बात सही कही ऐसा है जी, मैं तो कहूंगा जो एजुकेशन शुड बी होलिस्टिक, हर चीज होनी चाहिए। एजुकेशन का मतलब नहीं 330 पेज पे उन्होंने क्या लिखा था और ए इज इक्वल टू बी प्लस माइनस, ये सब कुछ नहीं होता है, ये तो बेसिक चीजें होती है। साथ में अपनी विधा जो है, कई विधाओं में से एक दो विधा अपने साथ रखनी चाहिए, और नाटक या म्यूजिक ऐसी चीजें हैं जो कि आपके साथ साथ कई लोग इन्वॉल्व हो जाते हैं। जैवलिन थ्रो हो या शॉटपुट हो, ये रेस हो, ये एक तरह की विधा अच्छी है, कला भी अच्छी है और रेस भी है, लेकिन इसमें आप खाली खुद ही सम्मिलित होते हैं, इसके अंदर आपका कंसंट्रेशन आपका डिसिप्लिन वही काम करता है। लेकिन नाटक और संगीत इसमें कई लोगों को आप घेर लेते हो, कई लोग आपके साथ जुड़ जाते हैं, और इसमें आप जो लोगों के साथ इंटरेक्शन का सीखते हैं वो आपकी जिंदगी में काम आता है, दैट हेल्प्स यू, जैसे गोपाल ने कहा, एनहांस योर पर्सनैलिटी एंड टू फाइंड आउट कि कौन आदमी क्या है। अब मैंने जो लिखता हूँ आज के, मैंने नाटक वाटक छोड़ के अब जो लिखना शुरू किया, तो जो चरित्र मैं आसपास देखता था नाटक करते वक्त, या जो चरित्रों को पढ़ता था उसकी प्रति छवि मैं लोगों में देखता हूँ, वो लोग कौन कैसा चलता है, कौन क्या करता है, वो मेरी किताबों में उसी का रिफ्लेक्शन है। मैं आम आदमी के बारे में लिखता हूँ, मिंडन थिंग्स ऑफ लाइफ, जो आदमी सोच नहीं सकता उस पर लिखता हूँ, लेकिन रोज हम देखते हैं घटते हुए, मेरा मेरे राइटिंग का जॉनर ही वही है कि मैं उस पर लिखता हूँ। तो नाटक ने मुझे वो हेल्प किया कि बस मेरे जो वो ब्लिंकर्स थे वो खुल गए, जो ब्लिंकर्स मेरी बियॉन्ड माई ब्लिंकर्स की किताब है, कि मेरे जो ये लगे रहते हैं टट्टू के जो लगे रहते हैं साइड में ब्लिंकर्स, वो हट गया। मैं हर हर चीज को अपने एंगल से देखने, नाटक के एंगल से देख रहा हूँ। लोग नौटंक कहते हैं कोई बात नहीं, आज भी चलेगा, लेकिन मैं सबसे कहता हूँ यंगर जनरेशन से, डोंट कंसंट्रेट ओनली ऑन स्टडीज, यू एक्सपोलिएट योर सेल्फ, यू पुट इन योर ideas into something concrete so that not only you but others also get some stimulation from it. मुझे सर आप दोनों से एक प्रश्न बल्कि दो प्रश्न जल्दी जल्दी पूछने हैं। मुझे लगता है रंगमंच रंगीन होते हैं और युवा बहक जाते हैं, और आप लोग तो उड़की जैसे संस्थान में पहुंच गए, और जैसे गोपाल ने कहा कि वही इंटर के करीब मैंने छोड़ दिया था ये सब काम, क्योंकि पेरेंट्स कहते थे भाई पढ़ो आपको आगे बढ़ना है। तो बहुत सारे बच्चे टेंडर एज में बहक जाते हैं, ये थोड़ा सा मुझे निगेटिव फॉल आउट लगता है जो स्टेज वगैरह पर काम करते हैं उनके बारे में। दूसरा मैं क्वेश्चन आपसे दोनों से ये पुराना माइंड सेट है, देखिए पहले पुराना ये था कि लड़कियों को नाटक में नहीं आने देते थे, और हमारे जमाने में जो है महिला और पुरुष जो है उनका आसपास आना ही बहुत ज्यादा खतरनाक माना जाता था। आजकल तो आप गलबैया लाकर डाल रहे, दे आर इक्वल, वुमेन एम्पावरमेंट और पूरा ही हो गया, हर जगह देखिए हमारे कॉलेज में इक्के दुक्की वो होती थी फीमेल आर्टिस्ट, मुश्किल से वो राजी नहीं होती थी, बड़ी मुश्किल से उनको राजी कराना पड़ता था, हर साल हमारे लिए यही प्रॉब्लम थी कौन एक्टिंग करेगा। फिर टीचर्स आते थे, नंदा साहब और वो सरदार साहब थे, वो मिलके सबको मोटिवेट करके लड़की एक्ट्रेस हमको मुहैया करते थे। आज का जमाना खत्म हो गया, आजकल उल्टा हो गया, आजकल लड़कियां लड़कों को ढूंढती है। अगर आदमी अगर खुद अपने कैरेक्टर पे कंट्रोल रखता है
तो ये चीजें बहकाने बहकने वाली बात नहीं है। बैंक का आदमी अधिकारी, देखो चाहे लड़के लड़की वाला मामला नहीं है, बहकाने के लिए तो आजकल बहुत सारे हैं, आजकल ड्रग्स हैं, अब नशा है, ये वो है। तो मैं सुधीर की बात पे ये कहना चाहूंगा कि जो यंगर जनरेशन है हमारी, एक मंत्र ये है कि आपको अपने कैरियर के लिए आपको कंसंट्रेशन, जो भी आपका एक है, कंसंट्रेट ऑन दैट मिशन कि हमें ये काम करना है। आप चाहे टीचर हो, एडवोकेट, जो पढ़ रहे हो, और उसके साथ साथ जो आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है दैट यू हैव टू एक्सप्लोर एंड फाइंड आउट, उसको अपने साथ जरूर लेके चलना है, ताकि आपकी जो पर्सनालिटी के, आपके जो थॉट के जो फाइनर पॉइंट्स हैं वो अपने आप फिनिश होते चले, ये आपको हेल्प करते हैं। लेकिन ये जो बात हो रही है कि देखो जो आपके लड़के लड़कियों वाली बात है, ये तो अब एक हमेशा से चली आई है रीत, इसको अवॉइड करना हम खुद कर सकते हैं। आपके माँ बाप क्या कहते हैं, दोस्त क्या कहते हैं, वो खतरे हमें खुद महसूस करने होंगे। इसलिए जब कभी मैं स्कूल कॉलेज में जाता हूँ सुधीर, मैं बच्चों से जब कहा जाता है मुझे एड्रेस करने में, यही कहता हूँ पढ़ाई जो है आपकी, ये हमेशा आपके काम देगी। आपका जो मिशन है कि हमें कैरियर में अच्छी जगह जाना है, ये मिशन रखिए आप, उसके लिए जो भी आप कर सकते हैं पूरा करिए। अगर आप स्पोर्ट्स में हैं, अगर आप स्पोर्ट्स अथॉरिटी में पढ़ रहे हैं, आप कोचिंग ले रहे हैं, आप उसमें मन जाइए, लेकिन इसके अलावा आपको जो शौक लगता है करने का उसको आप करिए और अच्छी तरीके से करिए। तो मुझे लगता है जो कॉम्बिनेशन है, तो खतरे भी आपके साथ ईमानदारी बरतेंगे, आपको परेशान नहीं करेंगे, आपके जो बड़ों की जो इच्छाएं हैं आपके प्रति, तो दे विल कीप यू सेफ। अच्छा एक पॉइंट और, दूसरी बात, पहले तो हमें अपने जेब से पैसा लगाना पड़ता है। मैंने देखा है गोपाल सिन्हा ऑल ओवर इंडिया ट्रेवल ही करते रहते थे, कहीं कौन सा स्टेज में, प्रतापगढ़ में है, ऑटो ट्रैक्टर में था, वहां थे। आई रिमेम्बर। ये लगता है कि आप अपने स्पाउस को उचित समय दे पाते हैं, क्योंकि आपको काफी रिहर्सल के लिए भी टाइम देना पड़ता है, तो भाभी जी वगैरह डांटती नहीं थी आपको के? नहीं, देखो ऐसा है कि वैसे तो सरकारी जानते हैं, मेरी वाइफ इनिशियली शी आल्सो वाज थिएटर में, लेकिन वो पीरियड बहुत शॉर्ट रहा, उसके बाद उनकी जॉब लग गई, तो जॉब पहले वो शुरू करी उन्होंने, शी वाज मास्टर्स इन लाइब्रेरियन, तो उन्होंने लाइब्रेरियन की पहले जॉब करी, फिर वो यूपीएससी के थ्रू शौक था वो डिपार्टमेंट कल्चर में, शी ज्वाइंड एज असिस्टेंट डायरेक्टर, देन शी रिटायर्ड एज अ ज्वाइंट डायरेक्टर कल्चर, तो वहां पर वो इतना बिजी रहती थी, लेकिन शायद वो उन चीजों से नहीं, वो मतलब घर का, जैसे कभी मैं नाटक कर डांट पड़ती थी, ऐसा नहीं है, डांट पड़ती थी, लेकिन कि क्या यार तुम्हारे नाटक ही चलते रहते हैं, तुम देर हो जाती हो, और ये है वो है, लेकिन हमेशा सुधीर मुझे शायद इसलिए अपने माँ बाप का सपोर्ट मिला, मुझे वाइफ का सपोर्ट मिला, कि मैंने हमेशा हमेशा ध्यान रखा। आई यूज टू रिफ्यूज प्लेज कि मेरी बच्ची का हाई स्कूल है, मेरे माँ की तबीयत खराब है, या मेरी वाइफ आजकल बहुत बिजी है, तो ये जो मैं कंप्रोमाइज करके चलता था, तो जो मुझे जो खतरे तुम बता रहे हो, जो तुम्हें दिमाग में आ रहे हैं, उन खतरों से बचा रहा, बल्कि मुझे वाइफ फिर सपोर्ट करती रही, कि जो भी मेरा, जैसे रिटायरमेंट के बाद शी इज ऑल्सो रिटायर हो गई है, वो भी अब वो दिन भर घर में रहती हैं, शाम को रहती हैं, शी डजंट गो आउट, बल्कि वो मेरे प्लेस भी जब तक मैं एक्टिंग ना कर रहा हूँ या मेरा डायरेक्शन ना हो, वो प्ले देखने नहीं आती है। स्टेज लाइट तो कहती है तुम करते ही रहते हो, कोई बहुत अच्छा प्ले हुआ तो चली जाती है, बट शी नेवर गोज आउट, घर में रहती है। जो भी मैं करता हूँ, मेरा इतनी आउटिंग है, बता रहा हूँ सुधीर, कभी मुझे कोई कॉलेज वाले इन्वाइट करते हैं, कभी कोई प्रोग्राम है, कभी कहीं है, या मेरे अपने प्लेस होते हैं, अपने रिहर्सल्स होते हैं, तो शी प्लेस कूल, शी कीप्स कूल। और तुम्हारा जो समय कम है भैया, सुधीर अधिकारी जी समापन कर दीजिए, कुछ और अच्छा बता दीजिए गोपाल सिन्हा के बारे में, ताकि और अच्छा करें भविष्य में। कुछ लोग किस्मत ऊपर से लिखा के आते हैं, ये हमारा गोपाल उसी कैटेगरी में आता है, कि किसी को भी सफल सीढ़ी को चढ़ने के लिए सीढ़ी पकड़ने वाला एक चाहिए, और इनकी वाइफ जो है हिंदू, वो मेरी बहन जैसी है, उसने सीढ़ी पकड़ने का काम बहुत अच्छा किया, मतलब उसने हमेशा सपोर्ट किया। मैं जहां तक जानता हूँ कि बहुत कठिन ये डगर है नाटक का, रिहर्सल, जैसे आप कह रहे हो बैलेंसिंग फैमिली वैल्यूज, बट इंदू चूंकि उस स्टेज से आई है, उसको पता है कि क्या है ये लाइफ, उसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिया है, हम इसको एक्नोलेज करते हैं, हर आदमी, हम दोस्त जो रंजन, हम और गोपाल आपस में डिस्कस, वी रियली अप्रिशिएट हर। सीढ़ी पकड़ने का रोल जो मेरे पेरेंट्स भी हमेशा मेरे साथ रहे,
हमेशा। ये और मैंने ये कभी भी, मतलब जो बात कर रहे हैं हमारी वाइफ की, हमने कभी भी कोई आपस में पेरेंट्स में हमारे बीच में कभी कुछ नहीं ऐसा वैसा, नो नथिंग, एवरीथिंग वाज स्मूथ। बहुत ही कूल वो था, वातावरण था, और इसको सपोर्ट हर समय मिली। तो कई लोग हैं, छोटे भाई भी इसके काफी एक्टिव और काफी सपोर्टिंग है पास में।